हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त प्रीति, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत दिन बाद वीडियो बना रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेकिन इतने दिन गैप होने का रीज़न क्या था ये मैं आपको बताऊँगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मुझे क्या लगता है आइसोलेशन एंड कोरोना से रिलेटेड। वैसे तो आप सब्जेक्ट पढ़ ही लिए हो कि छोटे से घर में आइसोलेट कैसे होना है, तो ये एक्सपीरियंस मुझे अपने से ही आया है कि जब कोरोना आया या फिर जब लोगों को हो रहा था, तो हम कितना डरते थे ना कि आइसोलेट कैसे होंगे, क्वारंटाइन कैसे होंगे, हॉस्पिटल कैसे जाएंगे, या फिर अपने आप का केयर कैसे करेंगे, मुझे कोरोना हो गया तो मैं क्या करूँगी, ब्ला 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 ब्ला। सो थोड़ा सा एक्सपीरियंस मुझे लगता है कि मैंने ले लिया है, और घर बैठे घर पर रहकर मैंने ये एक्सपीरियंस लिया। सो वॉट एवर, जो भी मैंने किया, जो भी मेरा एक्सपीरियंस था, जो मुझे लगता है, जो चीज़ें मैंने नोट डाउन की इस 25 डेज़ में, या फिर जब कह लीजिए जब से मेरे वीडियोस नहीं आ रहे तब से, वो सारे एक्सपीरियंस मैं अभी आपको इस वीडियो में शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मुद्दा ये है गाइज, कि अगर आपको कोरोना हो रहा है तो सबसे पहले आप डरो मत, एक, क्योंकि डर के आप अपने आप के माइंड को निगेटिव लेके जा रहे हो। सो बी पॉजिटिव, सबसे एक पहली मेन चीज़। सेकेंड चीज़, अगर आपको कंटिन्यूसली फीवर है और आप अपने आप को मीन्स लाइटली ले रहे हो कि फीवर है तो क्या हुआ, वायरल है, या फिर सीज़न चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, तो मुझे फीवर आना ही है, सो प्लीज़ ये सब आप ना करें। आपको इन्फेक्शन है, आपको सर्दी है, आपका सर दुख रहा है, आपको स्मेल नहीं आ रहा है, आपका टेस्ट जा रहा है, फीवर वगैरह है, आपकी बॉडी पेन कर रही है, ऐसी कोई भी चीज़, आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, आपको गले में कंटिन्यूसली कफ है, चोकअप ऐसा फीलिंग आ रहा है, सो सबसे पहले तो आप ये ठान लें कि आपको आइसोलेट तो होना ही है। मीन्स आपको गांव नहीं घूमना है, आपको घर वालों को हाथ नहीं लगाना है, आपको किसी चीज़ का रिस्क नहीं लेना है। इन शॉर्ट, मास्क वेयर करके रखना है अगर आप घर पर भी हो तो भी। अब आप बोलोगे कि आप इतना सारा बता रहे हो, लेकिन ये नहीं बता रहे हो कि आप सबसे पहले टेस्ट करें। देखो क्या है ना, जो सिटीज़ है, जो बॉम्बे, पूना, लखनऊ, दिल्ली, जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो गवर्नमेंट को फ़ोन करते हैं, मीन्स जो भी कोरोना डिपार्टमेंट है उसको फ़ोन करते हैं, वो आते हैं, उनको दवाई देते हैं, सब बताते हैं और चले जाते हैं, ठीक है, वो उनका काम कर रहे हैं। लेकिन हर जगह काम नहीं हो रहा है, कई जगह पॉलिटिक्स भी हो रही है, ठीक है, कई जगह ऐसा भी हो रहा है गाइस कि इंसान मर रहा है पर उसको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो आप। तो ये एज अ पॉलिटिकली हो रहा है, लेकिन शुरुआत और गलती जो कर रहा है वो हम ही कर रहे हैं। मीन्स जिसको कोरोना हो रहा है वो ही गलती कर रहा है, वो इसलिए गलती कर रहा है क्योंकि वो बहुत सारा समय जाने देता है, और जब उसको ज़्यादा तकलीफ होने लगती है फिर वो डॉक्टर के पास जाता है या वो फिर ट्रीटमेंट करता है। तो ऐसा ना करें, छोटी से छोटी चीज़ भी, सर भी दुख रहा है आपका, आपको सर्दी वगैरह जो भी मैंने कहा, जो भी थोड़ा बहुत भी अगर आपको सिम्टम्स लग रहे हैं ऐसा फीवर के या वायरल के या कोरोना तो नहीं बोल सकते हम, अगर आपको कुछ भी ऐसे बॉडी में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप 7 डेज आइसोलेट हो जाएं। अब आपको आइसोलेट होना कैसे है, आपको अगर देखो आपका पर्सनल रूम है तो सवाल ही नहीं उठता, कोई टेंशन ही नहीं है, जाके आप पर्सनल रूम में आइसोलेट हो जाए। अगर आपका पर्सनल रूम नहीं भी, आपके घर में 2-3 रूम है, तो बाकी जो लोग ठीक है उनको एक साथ में एडजस्ट करवा दे और एक रूम खाली करके आप उस रूम में आइसोलेट हो जाए, ये भी आप कर सकते हो। अब प्रॉब्लम ये है कि रूम ही नहीं है उस हिसाब से, एक किचन है, एक दो रूम है और एक हॉल है, या फिर किसी के यहाँ हॉल भी नहीं होता है, किसी के यहाँ 2 रूम भी नहीं होते हैं, बिल्कुल छोटा सा रूम होता है, वहाँ पे ही सर्वाइव करते हैं। मीन्स पर्सनल रूम नहीं होता और एक साथ में आप किसी को रख कर खुद के लिए एक पर्सनल रूम नहीं क्रिएट कर सकते, ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है स्पेशली, और मैं इन्हीं लोगों को कुछ एक्सपीरियंस, अपना एक्सपीरियंस मैं बांटना चाहती हूँ, जिसके हाथ पे पर्सनल रूम नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि यार अगर मेरे को कोरोना हो गया तो मैं रहूँगा कहाँ,
पॉलिटिकली बहुत सारी चीज़ें आपके साथ गलत हो सकती है, आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल सकता है, आपको शायद पैनिक फील भी हो सकता है अगर आप हॉस्पिटल वगैरह में हो तो। देखो आपको हेवी टेम्परेचर है, अगर आपका ऑक्सीमीटर कम हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो आपको एडमिट होना नेसेसरी है। उसके लिए फिर आप घर का इस्तेमाल नहीं कर सकते, भले ही आप सब कुछ फॉलो कर भी रहे हो और फिर भी आपको ये चीज़ हो रही है, मीन्स ऑक्सीजन आपका कम हो रहा है, आपको सांस फूल रही है, दम दम भर रहा है आपका, और आप कंटिन्यूसली फीवर है, तो आपको ऑफकोर्स आपके लिए बेड देखना पड़ेगा। चाहे कितना भी पॉलिटिक्स हो, चाहे आपको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा हो, तो भी अच्छे जगह जाके आपको या कोई भी गवर्नमेंट सेंटर में आपको एडमिट होना पड़ेगा। लेकिन आपको ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं है, आपको दमा दम दमा की शिकायत नहीं है, या सांस नहीं फूल रही है आपकी, या आपको हेवी फीवर नहीं है, ऐसा अगर आपको कुछ भी नहीं है, तो आप घर पर ही आइसोलेट हो सकते हैं, भले ही आपका पर्सनल रूम हो या ना हो। जब मैं कह रही हूँ कि मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ, तो आज से कुछ टाइम पहले, मीन्स 20-25 दिन पहले, मुझे हल्का सा फीवर आया। हल्का सा फीवर आने के पहले मैं इधर उधर जा रही थी, मीन्स जो मेरा काम था वो मैं कर रही थी रेगुलरली, लेकिन जिस दिन मुझे फीवर आया उस दिन रात को मैंने सोचा कि मुझे फैमिली से दूर रहना चाहिए, मुझे फैमिली को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, और मुझे, जैसे ही मैंने कहा मुझे एडमिट नहीं होना है, क्योंकि मेरे इतने हेवी सिम्टम्स थे नहीं, और मुझे लगा मैं घर बैठे कर सकती हूँ और मुझे घर बैठे ही अपने आप को ठीक करना चाहिए, भले पर्सनल रूम नहीं हो। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि पूरे इंडिया में कोरोना फैल गया, सबको हो गया, और एक के लिए भी हॉस्पिटल्स में बेड अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप घर पर रहकर अपनी ट्रीटमेंट करोगे, राइट? तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये चीज़ आज से करनी चाहिए, मेरे टाइम से ही मुझे ये करना चाहिए, मुझे घर पर रह के ही अपने आप को ठीक करना चाहिए, सबसे मेन मुझे ये लगा। तो मैं घर पे रही, घर 15 डेज़ का मेरा पूरा पीरियड था, और मुझे सिम्टम्स भले ही 15 डेज़ नहीं रहे, पर फिर भी मैंने अपने आप को पूरा 15 डेज़ आइसोलेट रखा गाइस। तो मेन क्या हुआ कि जैसे कि मैंने कहा, आज से 25 डेज़ पहले मुझे एक दिन फीवर आया, मुझे ऐसा लगा वेदर बहुत चेंज हो रहा है, कभी बिल्कुल बारिश आ रही है, कभी बिल्कुल ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, कभी बहुत धूप गिर रही है, मुझे लगा सीजनल मुझे हो रहा है, क्योंकि मुझे सीजनल फीवर पहले से ही आता है, तो मुझे यही लगा कि मुझे सीज़न की वजह से फीवर आया। 2 दिन मुझे थोड़ा ऐसा लगा कि मुझे हल्का सा फीवर है, पहले दिन मुझे ज़्यादा लगा, फिर वो कम हो गया, फिर 2 दिन मुझे हल्का सा लगा, थर्ड दिन शाम के बाद मेरा स्मेल चले गया। अब मुझे इतना नहीं पता था कोरोना में स्मेल एंड टेस्ट सिस्टम भी होता है या सिम्टम्स होते हैं ऐसे, ये मुझे नहीं पता था, बट जब मैंने ये जाना कि थोड़ा थोड़ा ऐसा है, और मेरे और भी कोई रिलेटिव क्या सेम चीज़ थी कि उनको फीवर आया, स्मेल चली गई, और उन्होंने टेस्ट किया तो उनको पॉजिटिव निकला, तो मुझे भी लगा कि ये शायद शायद ये सिम्टम्स है और मुझे कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मेरे एक फैमिली रिलेटिव है, उनके ब्रदर एंड फादर दोनों डॉक्टर हैं, तो उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया 5 डेज़ का, और मुझे आइसोलेट होने के लिए कहा, सेल्फ क्वारंटाइन, सेल्फ आइसोलेशन, आइसोलेट कर लो अपने आप को। तो मैंने कहा ओके, और पर्सनल रूम था नहीं पर मुझे आइसोलेट तो होना था, तो मैंने क्या किया, 4-5 चीज़ें ध्यान रखी जो हमेशा मैंने सुनी है कोरोना में, कि मास्क, सैनिटाइज़र, कहीं इधर उधर हाथ मत लगाओ, हाथ धोते रहो, और फैमिली को ज़्यादा इंटरेक्ट मत करो, फैमिली के साथ में फैमिली से दूर रहो। तो ये मैं बहुत ह्यूज लेवल पे तो मैं ये सब चीज़ें फॉलो नहीं कर सकती थी, लेकिन जितना मुझसे हुआ उतना मैंने फॉलो किया। सबसे मेन तो मैंने मेरी चादर, पिलो, और जिस पे मैं सो रही थी, ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं चटाई पे सो रही थी 14 से 15 दिन, मैंने गद्दी मीन्स बेड भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि वो कॉटन का होता है, कपड़े का होता है, तो मुझे रिस्क नहीं लेना था। मैं चटाई पे थी 14-15 दिन, और मैंने मेरे रूम का एक कोना पकड़ लिया था कि मुझे यही सोना है, यही उठना है, यही बैठना है, यही खाना है, सब मुझे यही करना है, इससे इसको हटा के मीन्स इससे ज़्यादा मेरे को कहीं और हाथ नहीं लगाना है।
तो मैंने वो चीज़ का ध्यान रखा, वो चीज़ की, और कंटिन्यूसली आई एम वियरिंग मास्क। मैंने कंटिन्यू मास्क पहन के रखा, कंटिन्यू मैं सैनिटाइज़र कर रही थी, एक एक दो दो घंटे में कोई भी चीज़ को हाथ लगा रही थी। तो अब रही खाने पीने की बात, खाना मैं खा रही थी लेकिन जो मेरे बर्तन थे वो, एक तो मैं नहाने के पहले धो लेती थी या फिर मेरी मम्मी नहाने के पहले वो बर्तन धो धोकर वो फिर नहाने जाते थे। वैसे ही कपड़ों के मामले में, एक दिन पूरे मैं कपड़े भिजा के रखती थी, नेक्स्ट डे मेरे कपड़े धोए जाते थे। तो कपड़े और बर्तन और सोने के मामले में मैंने आपको बता दिया कि मैंने क्या किया। फिर रही बात एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की, तो मैं 2 से 3 टाइम बाफ लेती थी, स्टीम लेती थी। कभी मैंने विक्स की ली, कभी नॉर्मल ली, ऐसा मैंने किया। तो मैंने 2-3 टाइम लिया भाफ, गरारे किए, कभी कभी नहीं गरारे हो पा रहे थे तो मैं गर्म पानी में नींबू नमक और अदरक डाल के पीती थी, दूध हल्दी में पीती थी। मैंने थोड़े फ्रूट्स लिए, मैंने एनर्जेटिक ड्रिंक लिया क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि डोज़ ज़्यादा हो रहा है, हेवी पावर के डोज़ है तो शायद मुझे चक्कर आ सकते हैं, आ रहे थे कभी कभी। तो मुझे ऐसा लगा मुझे एनर्जेटिक रखने को एनर्जी ड्रिंक लेना चाहिए, ऐसा मुझे लगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे जो लगा वो मैंने किया, तो मैंने ये किया। फिर मैंने दाल पी गरम गरम सुबह शाम, खाना मेरा अच्छा जा रहा था, नॉर्मल जो मैं खाना खाती हूँ वैसा ही मैं खा रही थी, और मैं गर्म पानी पी रही थी। 14-15 दिन मैंने कंटिन्यू गर्म पानी पिया, एक भी दिन मैंने ठंडा पानी या एक्वा वगैरह ऐसा कोई पानी नहीं पिया, मैंने गर्म पानी पिया उबाल कर। और स्टीम स्टीम इम्पॉर्टेंट है, स्टीम ली, पानी लिया, फ्रूट्स खाए कुछ कुछ कभी कभी, और मुझे 5 to 6 days का डोज दिया था दवाई का प्रिस्क्रिप्शन, जिसमें वही विटामिन सी, विटामिन मल्टी विटामिन दिए हुए थे, जिंकोविट वगैरह। तो ये मैंने 5 to 6 days लिया। और गाइस डोज के साथ साथ में मैंने काढ़े, जो आयुर्वेदिक, जो हमारी इतने साल से जो हमने फॉलो किया है अपने दादियों से, बुज़ुर्गों से, मम्मी पापा भी फॉलो करते हैं, तो उन लोगों के थ्रू इस कोरोना में यही सबसे ज़्यादा काम आ रहा है कि आपको आयुर्वेदिक लेना है, आपको काढ़े लेना है, आपको इम्यूनिटी बूस्ट हो आपकी, उस हिसाब से आपको चीज़ें खाना है, गुड़ हल्दी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, तुलसी अश्वगंधा, ये सब चीज़ें मैंने काढ़े में डालकर पी, बनाई, खाई, जैसे भी हो 2-3 टाइम मुझे मेरी मम्मी देती थी वो मैं पीती थी। तो ये किया, और फिर दवाई, जैसे कि मैंने कहा मेरे को 5-6 दिन का प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ था वो मैंने लिया। फिर क्या हुआ, ये सब मैं कर रही थी, कंटिन्यू चल रहा था, लेकिन जो मेरे रिलेटिव, जो मैंने बताया कि उन्होंने, उनको फीवर आया और स्मेल चले गया उनका, उन्होंने टेस्ट किया तो पॉजिटिव आया। तो मैंने उनको पूछा कि आपको कितने दिन बाद में स्मेल आया, तो उन्होंने बोला मुझे 4 days बाद में स्मेल आया, और मुझे ऑलरेडी 3 days हो चुके थे फीवर और स्मेल गए, और मुझे आगे का मेरा दिन शुरू थी। तो मुझे थोड़ा टेंशन हो गया, टेंशन भी नहीं बोल सकते, मुझे ये था कि मेरा स्मेल कब आएगा, ऑलरेडी 3 days तो मुझे हो चुके हैं फीवर और स्मेल गया है, 1-2 दिन हो चुके हैं, तो मेरे को कब आएगा। तो मैंने यूट्यूब देखा अपने आप को थोड़ा शांत करने के लिए, और सॉल्यूशन चाहिए था मुझे कि स्मेल कब जाता है, कैसे जाता है, क्यों जाता है और कब तक आता है। तो मैंने पूरा देखा, तो हाँ वो कोरोना सिम्टम्स थे, स्मेल जाना और टेस्ट जाना बहुत सारे लोगों को हो रहा है कि फीवर वगैरह बहुत कम आता है लेकिन स्मेल और टेस्ट जाता है, तो वो कोरोना सिम्टम्स है। तो और वो एकदम से जाएगा और आएगा, ऐसा नहीं होगा, किसी का 1 महीने भी जा सकता, किसी का 2 महीने भी जा सकता है, और किसी का 4-5 दिन, 6-7 दिन में भी आ सकता है, ऐसा था। लेकिन अगर मुझे ये लगा कि अरे यार 1 या 2 महीने अगर हमारा स्मेल नहीं आ रहा है तो क्या हमको तब तक आइसोलेट रहना है और तब तक हम लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकते, तो ये तो बहुत हो गया। तो मुझे थोड़ा सा अंदर से ऐसा लगने लगा बाप रे अगर ऐसा हो गया तो कैसा। तो मुझे थोड़ा ये समझ में आया कि अपने हिसाब से नहीं होने वाला है, हार्ड एंड फास्ट आपको जो प्रिकॉशन दिए है वो तो आपको लेना ही है, जो चीज़ें मैं बताई आपको कि मैंने ये किया वो तो मुझे करना ही है, उसको जब आना है, मीन स्मेल को जब आना है तभी वो आएगी, जब आपकी बॉडी आपको 100% देगी और सिम्टम्स धीरे धीरे कम होंगे, कोरोना खत्म होगा आपके बॉडी में से, तभी आपको स्मेल आएगी थोड़ी थोड़ी। फिर
मैंने कहा चलो ठीक है फॉलो करते हैं। तो फिर फॉलो किया, थोड़ा मेरे को गले में इन्फेक्शन था, मेरा सर दुखता था, मैं वो दो दो तीन दिन बजे तक नींद नहीं आती थी क्योंकि मेरा सिर्फ सर दुख, बहुत ज़्यादा सर दुखता था मेरा। और स्मेल का इशू तो था, फीवर नहीं था मुझे, ये सही था, फीवर नहीं था। और मैं खाना प्रॉपर खा रही थी, मुझे खाने का भी टेंशन नहीं था, और मेरा टेस्ट, मुँह का टेस्ट नहीं गया था। फिर 3 दिन मीन्स फीवर प्लस जिस दिन मेरा स्मेल गया वो हो गया 3 दिन, और 4 दिन मुझे स्मेल नहीं आया। फिर मुझे 7 और 8 डे, 8वें दिन मुझे स्मेल आया, स्मेल आया हल्का हल्का, मुझे चालू हो गया स्मेल आना, और मैं सारे प्रिकॉशन ले ही रही थी। फिर मेरा स्मेल आने के बाद 1-1.5 दिन बाद में सर भी दुखना मेरा बंद हो गया, बहुत कुछ भी नहीं दुखता था। गले में जो इन्फेक्शन था वो भी मेरा ख़त्म होने होने को था, मीन्स रिलीफ थी मैं, गले में इन्फेक्शन था। तो ये इसको 8-9 दिन हो गए, 10वें दिन मैं ऑल राइट थी, मुझे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं था। 10th डे तो मैंने क्या किया कि 10th डे जहाँ जो मैं सो रही थी, जो चादर था, जो पिलो था, जो मैं यूज़ कर रही थी, उसको मैंने धूप में दिया और पानी में से निकाल दिया। 2-3 बार मैंने मेरे चादर को और पिलो के कवर वगैरह को गर्म पानी में से निकाला, और मैं डेटॉल के पानी में ही नहाती थी। नहाना रोज़ गाइस एक्टिव रखती है शरीर को, नहाने जब हम नहाते हैं तब हमारा शरीर एक्टिव रहता है, फ्रेश रहता है, और इससे आपको कोई इशू नहीं है। अगर आपको फीवर है तो ठीक है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछ लो कि आपको नहाना चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन आपको फीवर नहीं है तो आपको डेफिनेटली नहाना चाहिए। तो मैं रोज़ नहाती थी और डेटॉल का पानी और गर्म गर्म पानी से ही नहाती थी। इवन मेरे कपड़े भी गर्म पानी से ही धुलते थे और डेटॉल के पानी से ही धुलते थे। तो मैंने ये सब किया। 10th 11th डे मैं ओके थी, मैंने अपना ऑफिस वर्क भी चालू कर दिया था लेकर, जो मैं जो भी मेरा काम है वो मैंने चालू कर दिया था। लेकिन मैं फिर भी अलग थी, मास्क वेयर करती थी, प्रिकॉशन मैंने लिए, फिर भी 14 और 15 डे आई एम ओके, मीन्स कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं था, 1% भी नहीं मुझे प्रॉब्लम था। फीवर फीवर तो मुझे पहले से ही नहीं था जैसे कि मैं बोल रही हूँ, लेकिन बाकी भी जो सिम्टम्स थे वो भी मुझे नहीं थे, और मुझे अंदर से ऐसा लग रहा था कि मैं एनर्जेटिक हूँ, प्रॉपर हूँ। मुझे 7-8 डेज लगा कि नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम है और मुझे अपना ध्यान रखना चाहिए और मुझे पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए जो इस कोरोना से रिलेटेड है। लेकिन 14 और 15 डेज आई स्वेयर गाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं ठीक थी। और फिर मैंने नहा धोकर बाल वाल वॉश किए, 2-3 बार मैंने बाल वॉश किए अपने इस 14 डेज में, और 15 डेज में भी मैंने फाइनली अपने को पूरा जो भी मैंने यूज़ किया था, जो भी था वो सब मैंने साफ वगैरह करके धूप में सैनिटाइज करके 15 डेज आई एम ओके। अब इसके बावजूद भी मैं आपको ये चीज़ बोलूँगी गाइस कि मैंने टेस्ट नहीं किया था, ना हुआ तब ना मेरा गया तब, पर मैंने पूरा फॉलो किया जो एक कोरोना में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि मेरे को सिम्टम्स लगे। अब मुझे तो भी ऐसा लगता है कि मुझे थोड़े ज़्यादा सिम्टम्स थे, किसी किसी को कुछ भी सिम्टम्स नहीं होते पर फिर भी उसको कोरोना पॉजिटिव निकलता है वो। पर सिम्टम्स होते हैं, हम ध्यान नहीं देते। अगर आप अपने आप पे थोड़ा भी ध्यान दें कि आज मेरा सर दुख रहा है, कि आज मुझे थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है क्या, तो गाइस 2-3 दिन 4-5 दिन आप आइसोलेट हो जाए। मुझे तो ऐसा लगता है 7 डेज आपको आइसोलेट होना चाहिए, लेकिन आपको ऐसा लगता है मुझे कुछ है ही नहीं प्रॉब्लम, फिर भी मैं कैसे हूँ, तो भी मैं बोलूँगी कि आपको 3 से 4 दिन या 5 दिन तो आपको आइसोलेट होना है। और आप ये भाप लेना हो, काढ़ा हो, जो भी चीज़ें मैंने बताई वो आप रेगुलर लो, आपको कोरोना हो नहीं हो आपको ये फॉलो करना है, मतलब करना है। टेस्ट बहुत आपको ज़्यादा फीवर हो रहा है आपको 2-3 दिन कंटिन्यू, आपको सर ज़्यादा दुख रहा है कंटिन्यू, और गले में बहुत सारा इन्फेक्शन है, अगर आपको सब लग रहा है तो आप बेझिझक जाके टेस्ट करवाएं। लेकिन ये बोल रही हूँ कि आप घर पे आइसोलेट हो सकते हो, जैसे मैं हुई, मैंने अपने आप को घर पर ही ठीक किया। मैं अभी भी बोलूँगी मुझे पता नहीं मेरे को कोरोना था या नहीं था, पर मेरे को ये सारे सिम्टम्स जो मैंने आपको बताए ये पूरे कोरोना के ही थे, तो मैंने वो पूरा प्रिकॉशन लिया। अब आप बोलो कि ये तो फैलता है, आपके मम्मी और भाई और पापा को कुछ नहीं हुआ क्या? गाइस मेरा भाई, मेरे पापा, मेरे मम्मी ऑल राइट है, उनको कुछ नहीं हुआ। इवन वो भी मेरे साथ साथ में जब मेरे लिए बनता था स्टीम का पानी या जो भी था वो भी करते थे, जो भी चीज़ें काढ़ा वाढ़ा वो लोगों ने भी पिया, उनको कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं, उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और मैंने मेरा ध्यान प्रॉपर रखा, मैंने उनको
टच नहीं किया पूरे 10-12 days, तो मुझे याद नहीं कि मैंने उनको टच किया। 13-14 days थोड़ा थोड़ा ऐसा हो रहा था कि कुछ लेना है या है, तो हाथ वाथ थोड़े से इधर उधर हो रहे थे। 15 days आई टोटली जो भी मैं डेली करती हूँ वो मैंने कंटिन्यू किया। अब जहाँ आप हो या आप जहाँ सो रहे हो वहाँ पे आप स्पिरिट सेवलॉन और डेटॉल डालें, और उसमें आप बचा हुआ जो भी है, जैसे बॉटल हो या वो स्प्रे बॉटल आती है ना, उसमें आप बचा हुआ पानी डाल दें ये दो दो स्पून डालने के बाद, और उसको एज अ सैनिटाइजर आप अपने घर में छिड़क दें, तो आप ये कर सकते हो। दूसरा, अलगर्जी मीन्स निग्लिजेंसी या फिर इग्नोर मत करें आपके कोई भी बॉडी सिम्टम्स, जो भी आपको लगता है कि ये वायरल की निशानी है आप उसको इग्नोर मत करें। प्रिकॉशन, कोरोना हो नहीं हो आपको प्रिकॉशन लेना है, जो भी बेसिक है स्टीम वगैरह वगैरह ये सब करें आप, और आपको पैनिक नहीं होना है। आप घर पे आइसोलेट हो सकते हो चाहे आपका पर्सनल रूम हो या नहीं हो। अब ये जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये बहुत लोगों को पता नहीं कि मुझे ये सब चीज़ें हुई है, या उनको कुछ नहीं पता है कि मुझे ऐसा कुछ हुआ है। तो गाइस, डोंट कॉल, डोंट मैसेज मी, मैं ऑल राइट हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ। और मुझे अच्छा एक्सपीरियंस लगा, इनफैक्ट मेरे को बिल्कुल ये नहीं लगा कि यार कैसा कैसा अपन कोरोना से होके निकले हैं, अपने को सिम्टम्स थे। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में सबको एक ना एक दिन कोरोना होने वाला है, ये सिचुएशन सबके यहाँ पे होने वाली है, तो आप उस सिचुएशन के लिए रेडी रहे, आपको ये सब फॉलो करना है, और एक ना एक दिन कोरोना ख़त्म होगा, और वो ऐसे ही होने वाला है। आपको हर बार हॉस्पिटल में, कई कोरोना तो ठीक है, बाकी चीज़ों के लिए भी हॉस्पिटल में एंटर नहीं करने दे रहे हैं, ग्लास यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर के पास हम जा रहे हैं तो वो दरवाजे के पास ही हमको खड़ा रख रहा है, नहीं, तुम आओ मत, हम आपको चेक नहीं कर सकते, कान नाक कोई और चीज़ के लिए हाथ नहीं लगा रहे हैं डॉक्टर्स। प्राइवेट तो बिल्कुल ही नहीं, गवर्नमेंट तो भी थोड़ा थोड़ा लगा रहा है, लेकिन प्राइवेट वाले तो बिल्कुल हाथ नहीं लगा रहे। तो बहुत सारी चीज़ें बाहर हो रही है, ये कोरोना पेंडेमिक में हमने बहुत कुछ चीज़ें ऐसी देखी जो इमेजिन भी नहीं कर सकते, और हम लोग लकी है। मुझे तो ऐसा लगता है हम लोग लकी है कि हम ये टाइम देख रहे हैं, मीन्स एक एक्सपीरियंस है हमारे पास, एक ऐसी चीज़ से निकलने की ताकत है हमारे पास में जो इम्पॉसिबल था, या हम सोच भी नहीं सकते थे, या हम सोचते थे कि ये हो ही नहीं सकता हमसे, लेकिन हम सब उस चीज़ को पॉसिबिलिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, हम वहाँ से निकल रहे हैं। सो इन शॉर्ट, इस वीडियो में मुझे यही बोलना था कि मैंने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए, टेस्ट कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, एडमिट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए अपने आप पे, नहीं देना चाहिए, और ध्यान देना चाहिए। अभी जो पीरियड चालू है, मुझे ऐसा लगता है कोरोना इंडिया में सबको होने वाला है, तो आप अपने अपने आप पे ध्यान रखें बस। और इस वीडियो में इतना ही, आई थिंक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है मेरे से रिलेटेड, मेरे एक्सपीरियंस के रिलेटेड, आपको आने वाले एक्सपीरियंस में शायद ये वीडियो काम आए। सो आई थिंक वीडियो इज़ डन, एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, सही लगी, आपको ऐसा लगा कि नहीं कुछ तो भी सही बताया हुआ है, तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।